तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं 2024 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी हनुमान के मेकिंग बिहाइंड द सीन और कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। फ्रेंड्स अभी अभी आपने इस हनुमान मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन वीडियो देखे जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हनुमान मूवी की शूटिंग की गई है, कैसे हनुमान मूवी में VFX डाले गए हैं, कैसे उन VFX को बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इन बिहाइंड द सीन वीडियोज़ में देख सकते हो कि किस प्रकार से हनुमान मूवी के जो एक्शन सीन है उनकी शूटिंग कैसे की गई है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस हनुमान मूवी को शूट करने के लिए पहले एक सेट बनाया गया था और फिर ही इस मूवी के मोस्टली सीन की शूटिंग की गई थी, जो फ्रेंड्स आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स इस मूवी में एक बहुत ही शानदार सीन दिखाया जाता है जिसमें बजरंग बली की एक पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई जाती है और वो भी पर्वतों के आसपास, और साथ ही वहाँ पर नदियाँ और झरने रहते हैं और हरी भरी घास भी वहाँ पर दिखाई जाती है। वो सीन जब स्क्रीन पर आता है तो उस सीन को देख कर तो भाई साहब दिल खुश हो जाता है। फ्रेंड्स इस पूरे सीन को CGI टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही शानदार है। हर एक सीन को अलग अलग एंगल से शूट किया गया है जिसे देखने में वो सीन बहुत ही शानदार लगे। एक सीन में धड़ाधड़ गोलियां चलती हुई दिखाई देती है और बाद में उन गोलियों से श्री राम की एक बहुत ही शानदार स्केच बनती है और पीछे से सूरज की किरणों के द्वारा वो चमकती हुई हमें दिखाई देती है श्री राम की फोटो, जो उस सीन को देखकर भी मजा आ जाता है। फ्रेंड्स इन सभी सीन को VFX स्टूडियो में ही शूट किया गया है और ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन की मदद के द्वारा ही सारे सीन को फ्रेंड्स इस मूवी में क्रिएट किया गया है। बात करें इस मूवी की शूटिंग लोकेशन की तो फ्रेंड्स इस मूवी के मोस्टली सीन की शूटिंग आंध्र प्रदेश और मुंबई में शूट किए गए हैं, वो भी VFX स्टूडियो में। कुछ भी हाँ फ्रेंड्स इस मूवी में कुछ एक्शन सीन ऐसे हैं जो देखकर भाई साहब बहुत असंभव लगते हैं, पर फिर भी इस मूवी में ऐसे सीन डाले गए जिन्हें देखकर मज़ा भी बहुत आता है। फ्रेंड्स इस मूवी का बजट था लगभग 40 करोड़ रुपए और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 330 करोड़ रुपए और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी रही थी। फ्रेंड्स ये एक सुपर हीरो मूवी है जो हनुमान जी की सुपर पावर्स के ऊपर बनाई गई है और जल्द ही हमें इसका सेकेंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स बात करें हम इस मूवी के डायरेक्टर की तो फ्रेंड्स इस मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत नील, नहीं इस मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा और इस मूवी के मेन लीड रोल में है तेजा साजा, जिन्होंने इस मूवी में अच्छी खासी एक्टिंग भी की है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इस मूवी के बजट की तो फ्रेंड्स इस मूवी का बजट ज़्यादा नहीं है, मात्र 40 करोड़ रुपये ही है और फिर भी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो एक बहुत ही शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी है। फ्रेंड्स इस मूवी में एक लाजवाब किस्सा भी है कि जब ये मूवी थिएटर में लगी थी तो इस मूवी के क्लाइमेक्स सीन में हनुमान चालीसा आती है और शानदार BGMI के साथ आती है, तब फ्रेंड्स एक लेडीज़ में वहाँ पर कुछ माता भी आने लग गई थी। और फ्रेंड्स इस मूवी को लोगों ने बहुत प्यार दिया जिसके दम पर ही ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन पाई और अब हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट का भी बहुत इंतजार है।